पोको एफ टू तो भूल ही जाओ, क्योंकि भैया वो इंडिया में अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि जो रेडमी का के 20 था वही पोको एफ टू बन के आने वाला था, ये रूमर्स चल रहे थे। और रेडमी का के 20 प्रो था वो पोको एफ टू प्रो बन के आने वाला था, ये रूमर्स भैया बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और भैया बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने क्लियर कर दिया था कि भैया जो रेडमी का के 20 है और रेडमी का के 20 प्रो है वो दोनों पोको एफ टू और पोको एफ टू प्रो के नाम से आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भैया शाओमी की तरफ से भैया मनु जैन ने ये क्लियर कर दिया है कि भैया जो इंडिया में आने वाला है रेडमी का के 20 और रेडमी का के 20 प्रो, ये दोनों भैया रेडमी के 20 और रेडमी के 20 प्रो के नाम से ही आने वाले हैं। इनमें नाम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन भी सेम होने वाली हैं, यहाँ तक कि प्राइस भी होगा तो कुछ 20,000 रुपये भैया रेडमी का के 20 बेस वेरिएंट होने वाला है। और वहीं पर बात करें रेडमी के 20 प्रो की तो कुछ 25,000 रुपए का देखने को मिलने वाला है। और भैया रेडमी की तरफ से मतलब Xiaomi की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है, ये लगभग आपको 6 वीक में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 6 वीक यानी कि लगभग डेढ़ महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। उन्होंने इतना कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग जून में ही आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भैया रेडमी का के 20 प्रो और रेडमी का के 20 दोनों ही इंडिया में जल्द ही आने वाले हैं और इसी नाम से आने वाला है, क्योंकि इसके जो गुरुग्राम में भी है इसके पोस्टर भी लग चुके हैं। याद है कि भैया इस बार रेडमी की तरफ Xiaomi ने भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि भैया बहुत सारे उसके कंपटीटर आ चुके हैं। अभी OnePlus 7 Pro को भी ये कम्पीट कर रहा है, यानी वो 50,000 का फ़ोन है, ये 25,000 का फ़ोन होने वाला है और ये सीधा टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन इतनी खतरनाक हैं और मात्र 25,000 रुपये में वही स्पेसिफिकेशन भैया कुछ ज़्यादा मिलती हैं, पर वही स्पेसिफिकेशन के साथ में OnePlus 7 Pro आता है, उसका प्राइस है कुछ 50,000 रुपये। तो भैया इतना हाई प्राइस हो भैया ये इतना कम प्राइस में दे रहा है, कुछ उसी प्रकार का ये फ्लैगशिप किलर मोबाइल होने वाला है, बहुत ही तबाही मोबाइल होने वाला है। चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं Redmi के 20 Pro की क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो Redmi का के 20 Pro में डिस्प्ले मिलेगी 6.39 इंच की भैया, फुल एचडी एमोलेड स्क्रीन होने वाली। वहीं पर भैया इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। वहीं पर इसमें कैमरा मिलेगा आपको, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर भैया फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ में आने वाला है। बैटरी होने वाली है भैया 4000 mAh की, टाइप सी देखने को मिल जाएगा, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये एक फ्लैगशिप किलर मोबाइल है तो इसका प्राइस भी कुछ 25,000 रुपये होगा। तो भैया आप कितना एक्साइटेड हैं इस मोबाइल को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस मोबाइल को, किस मोबाइल को टक्कर दे पाएगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।